तो हम देख रहे हमारा YouTube चैनल MTA इलेक्ट्रिकल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लैब पाइप कैसे डाला जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वाइट कलर पाइप और एक ब्लैक कलर पाइप यहाँ पे निकाला गया है नीचे से। और सबसे पहले आपको बता दूँ कि इस बिल्डिंग में जितने भी वाल हो, दीवार हो या स्लैब हो, पूरा RCC ही है। और पहले से देखिए मेटल बॉक्स लगा के पूरा पाइप जितना भी है वो ऑलरेडी पहले से ही निकाल लिया गया है ऊपर, ताकि स्लैब पाइप डालते वक्त इसको उसमें फिक्स कर दिया जाए। और देख सकते हैं यहाँ पर भी दो पाइप ऊपर निकाला गया है। और देखिए कितने हाइट पे आप देख सकते हैं, 30 फ्लोर पे हम लोग हैं, पाइप डाल रहे हैं स्लैब पाइप। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्लैट के बारे में मैं बता दूँ सबसे पहले आपको कि इसमें कौन कौन से पाइप डाले जाते हैं और कितने पाइप डाले जाते हैं, कितने सर्किट डाले जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये देखिए इधर पूरा काम चल रहा है अभी, और यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज है और पैसेज के दोनों साइड में एक एक फ्लैट है, एक एक फ्लैट अलग अलग है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एंट्रेंस है और इधर भी लेफ्ट साइड में भी एंट्रेंस है। और देखिए यहाँ पे एक भी दीवार नहीं बनाया जाएगा, पूरा RCC की ढलैया की जाएगी, आप देख सकते हैं। और चलते हैं हम एक फ्लैट के अंदर चलते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये लिविंग है, सबसे पहले लिविंग है और इसके बाद से एक छोटा सा पैसेज है। देखिए इसमें भी लाइट लगाया गया है और एक कॉमन बाथरूम है, एक कॉमन बाथरूम है एक। और यहाँ से आगे चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं एक हॉल है, इसमें भी लाइट डाला गया है। और इसके बाद से इधर देख सकते हैं आप एक बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, और इसमें अटैच है बाथरूम अटैच है, देख सकते हैं आप। और यहाँ से इसका गेट है और यहाँ पे देखिए सेकंड बेडरूम है, ये सेकंड बेडरूम है, आप देख सकते हैं सेकंड बेडरूम ये है। और इसके बाद देखिए हॉल के ठीक सामने ही किचन है, आप देख सकते हैं ये किचन है यहाँ पे। और मैं बताऊंगा आपको कि इस सभी बेडरूम और किचन बाथरूम में कैसे सर्किट का यूज किया गया है, आप देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि ये देखिए फ्लैट में डुप्लेक्स आने वाला है, यानी डबल फ्लोर बनने वाला है, एक ही फ्लैट में डबल फ्लोर बनने वाला है। इसके लिए देखिए ये हॉल में ओपन किया गया है और इसके बाद जब इसका फ्लोरिंग लगेगा, वॉल लगेगा, तब इसका स्लैब डाला जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइप छोड़ा गया है। और आपको दिखा देते हैं हम, देखिए एक बेडरूम है और बेडरूम में कौन कौन से पाइप डाले गए हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं देखिए यहाँ पे फैन बॉक्स है, एक फैन बॉक्स और दो लाइट जंक्शन का यूज किया गया है। और देखिए यहाँ पे देखिए लाइट से सीधा बेडरूम के राइट साइड में मेटल में गया होगा। और ये जो पाइप दिख रहा है ये सर्किट है, सर्किट का पाइप है, दो बेडरूम का एक ही सर्किट बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और ये रेड कलर का पाइप है, स्मोक डिटेक्टर का, SD का, जो शायरन का होता है। और यहाँ पे देखिए एक FCU का जंक्शन लगाया गया, और यह वाइट कलर का पाइप है वो TV के लिए लगाया गया है। पूरा जितने भी यहाँ पे पाइप है पूरा अलग अलग सर्किट दिया गया। और आप देख सकते हैं बाथरूम में एक लाइट और एक एग्जस्ट लगाया गया है, वो भी सीलिंग में ही लगाया गया है। और इसमें 1 इंच का पाइप यूज किया गया है क्योंकि बाथरूम के बैक साइड में AC का आउटडोर आने वाला है, उसका सर्किट देख सकते हैं आप 1 इंची का सीधा DB में गया हुआ है। और ये वाइट कलर का पाइप भी सीधा DB में गया हुआ है और रेड कलर का पाइप आप देख सकते हैं नेक्स्ट में पैसेज में SD लगाया गया है फिर। और यहाँ पे एक लाइट लगाया गया है और देखिए ये पैसेज है पूरा आगे तक गया है। और देखिए सेकंड बेडरूम है, इसमें भी देखिए FCU डाला गया है एक इधर साइड में, FCU ये AC के लिए, एक फ्लैट AC आता है उसको सीलिंग में फिट किया जाता है। और एक फ्लोर एक फ्लैट का पूरे AC का सर्किट एक ही है क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप ST का पाइप इसमें भी लगाया गया है और ST का पूरा जंक्शन जितना भी है सभी में लगाया गया है। और देखिए इधर भी, और ये देखिए सेकंड बेडरूम में दो बेडरूम का एक ही सर्किट है। देखिए इस बेडरूम से
सेकेंड बेडरूम में सीधा एक सर्किट गया हुआ है जो लूप है, और यहाँ से एक मेंस देखिए पाइप निकाला गया है जो सीधा डीबी में गया है, और डीबी से सीधा इधर सर्किट दोनों बेडरूम में लूप करके दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। और ये है किचन, और किचन में देखिए एक फैन और दो लाइट का यूज किया गया है, आप देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको बता, देखिए एसडी का इसमें भी लगाया गया है, और एसी का इसमें किचन में यूज नहीं किया गया है क्योंकि एसी किचन में नहीं चाहिए। और देखिए ये बेडरूम का सर्किट, और देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे दो वाइट कलर पाइप है, ये सीसी कैमरा का है, दरवाजे के बाहर एक कैमरा आता है, उस कैमरे को यहाँ पे फिट किया जाएगा नीचे वॉल में आपको दिखने के लिए। और यहाँ पे देखिए बाथरूम है, बाथरूम में ये देखिए ये बेजिन का, और बाथरूम से थोड़ा अलग है वो, उसमें भी FCU का यूज किया गया है, और देख सकते हैं यहाँ पे बाथरूम में एक लाइट और एक एडजस्ट के लिए यूज किया गया है। और इस किचन से देखिए दो सर्किट निकाला गया है, दो सर्किट का पाइप सेपरेट डाला गया है, आप देख सकते हैं, और सीधा ये भी डीबी में गया हुआ है। और यहाँ पे देखिए पैसेज में एक लाइट है, और ये जितना भी पैसेज का लाइट, हॉल का लाइट, ये पूरा है, पूरा पाइप एक ही में लिंक कर दिया गया है। और देखिए यहाँ पे इधर दूसरा फ्लैट है, और देखिए यहाँ पे एक 1 इंच का पाइप यूज किया गया है डाटा के लिए, जो सिस्टम है डाटा का पाइप डाला गया। और देखिए यहाँ से वहाँ अंदर से सीधा दो बेडरूम और हॉल से सीधा देखिए 4 पाइप वाइट कलर का आया हुआ है, जिसमें 2 टीवी का, 2 बेडरूम का है, और 2 पाइप कम्युनिकेशन के लिए, एक टेलीफोन और एक सीसी कैमरा का लिए यूज किया गया है पर्सनली। और यहाँ पे भी हॉल में भी देखिए FCU लगाया गया है, फाइन कॉयल यूनिट का यूज किया गया है, जो फ्लैट या AC आता है वो सीलिंग में फिट किया जाएगा, और ये पूरा रिमोट कंट्रोल है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 सर्किट आया हुआ है, इधर से 2 किचन से सर्किट आया हुआ है, और 1 सर्किट जो है वो आया हुआ है 2 बेडरूम का 1 सर्किट, और 1 FCU का यानी AC का है, 4 सर्किट इलेक्ट्रिकल के लिए डाला गया है, आप देख सकते हैं 4 सर्किट इलेक्ट्रिकल के लिए। और देखिए एक और सर्किट है ये हॉल के लिए, हॉल के लिए 1 सर्किट है, देखिए आप देख सकते हैं ये AC का, और ये जो सर्किट हॉल के लिए आया हुआ है, 2 सर्किट और आया हुआ है, और वो भी DB में गया हुआ है, इलेक्ट्रिकल DB में। और ये जो वाइट कलर का पाइप है वो एक देखिए इधर भी एक DB लगाएगा, कम्युनिकेशन DB लगाया जाएगा यहाँ पे, जंक्शन जो जितने भी वायर आएंगे पूरा यहीं पे आएंगे, इसके बाद इधर से सीधा डक में लेके गया गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कम्युनिकेशन का, और 4 जो आप को दिखाई दे रहा है इधर, 4 सर्किट, 2 बेडरूम का 1 सर्किट, और 2 सर्किट है किचन का, और 1 है AC का। और देखिए यहाँ से ये पाइप ये बाहर गया हुआ है, स्टेप का पास गया हुआ है, और देखिए इधर पैसेज में 1 लाइट का यूज किया गया है, आप देख सकते हैं। और देखिए ये DB से, इलेक्ट्रिकल DB और कम्युनिकेशन DB से जो मेन पाइप गया है वो दिखाएंगे आपको हम, देख सकते हैं आप कम्युनिकेशन DB से 2 पाइप निकला हुआ है वाइट कलर का, 1 इंची का और 1.5 इंची का पाइप निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए 3 पाइप जो छोड़ा गया है, 3 पाइप इलेक्ट्रिकल के लिए और 3 पाइप कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि इस फ्लैट में डुप्लेक्स 1 फ्लोर और आएगा, एक ही फ्लैट में डबल फ्लोर बनेगा, और उसके लिए ये पाइप छोड़ा गया है ताकि उसका भी जो सर्किट होगा वो फर्स्ट फ्लैट में वो पूरा DB में पूरा सर्किट उसका भी इसी में आएगा, क्योंकि वो जो DB लगाया गया वो बड़ा DB लगाया गया है, VTPN DB यूज किया जाएगा यहाँ पे। और देखिए ये जो पाइप आ रहा है, 2 पाइप है कम्युनिकेशन का 1 इंची का, और 1.5 इंची का, और 1 पाइप है 1 इंची का, वो सीधा आया हुआ है, देखिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये बिल्डिंग बहुत बड़ा है और 60 फ्लोर तक बनने वाला है, अभी हम लोग हैं
13 फ्लोर पे, और देखिए इसके लिए दो डक का यूज किया गया है, एक इलेक्ट्रिकल डक और एक कम्युनिकेशन का डक। पर्सनली दो डक है इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन का। सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ये जो डक है, देखिए इस डक में लाइट लगाया गया है और इस लाइट का कंट्रोल नीचे है, इसके सी ठीक नीचे उसका भी सर्किट इस डक में डाला गया है, देख सकते हैं आप। और ये 1 इंच का पाइप जो आया हुआ है वो मेन डीबी इलेक्ट्रिकल डीबी से सीधा इधर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इधर लगाएंगे आप कपलिंग, कपलिंग लगा के सीधा बांधेंगे ताकि आपको पाइप डालने में कोई भी दिक्कत ना हो। और ये देखिए कम्युनिकेशन का डीबी है, जितने एक फ्लोर से जितना भी मेन पाइप डाला जाएगा वो सी